हाय फ्रेंड्स, सो आज हम बनाएंगे चिली चिकन, जिसके लिए हमको जो जो मसाला चाहिए वो है हल्दी, नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, कॉर्नफ्लोर, जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो पहले हम चिकन को अच्छे से धो देंगे और उससे सारा पानी निकाल देंगे। निकालने के बाद हम उसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर और उसमें दही 2 स्पून डाल देंगे। फिर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक स्वादानुसार, उसके बाद हल्दी और धनिया पाउडर। उसके बाद हम उसमें एक अंडा डालेंगे और फिर हम डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस एंड टमाटो सॉस। उसके बाद हम उसमें 1 स्पून ऑयल डालेंगे। डालने के बाद हम चिकन को अभी मैरिनेट कर देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसको मैरिनेट करके हम एक बॉक्स में डाल के इसको फ्रिज पर रख देंगे 1 से 2 घंटा, ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। जितना टाइम आप चिकन को मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा टेस्ट चिकन का आएगा। तो उसके बाद हम पैन को गरम करेंगे, उसके बाद हम उसमें ऑयल डालेंगे। उसके बाद हमारा मैरिनेटेड चिकन जो है उसको हम उसमें फ्राई करेंगे। और चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन पक जाए। इसको हम ज़्यादा फ्राई करने से ये हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने से चिकन में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर मसाला सही से जाएगा नहीं। सो हम इसको उतना तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन अच्छे से पक जाए, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। और अगर हम इसको अच्छे से मैरिनेट करके ज़्यादा टाइम मैरिनेट में रख देंगे, तभी चिकन का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अभी चिकन फ्राई हो गया है, उसको हम प्लेट में निकाल देंगे। देख सकते हैं चिकन का कलर भी ब्राउन हो गया। उसके बाद हम लेंगे प्याज और कैप्सिकम, उसको राउंड करके काट देंगे, काजू, मिर्ची, मेथी का पत्ता और धनिया पत्ता। उसके बाद वापस हम पैन में ऑयल डालेंगे, फिर उसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, फिर उसमें हम काजू डाल देंगे। वो थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम कैप्सिकम डालेंगे। फिर कैप्सिकम थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद हम उसमें प्याज डाल देंगे। फिर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये ब्राउन कलर हो जाए। अभी हम इसमें थोड़ा सा कलर यूज़ किए हैं, आप चाहे तो कलर नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा अच्छा सा लुक देने के लिए थोड़ा सा कलर यूज़ किए हैं। फिर उसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। करने के बाद हम हमारा फ्राइड चिकन उसमें डाल देंगे, फिर हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि प्याज और कैप्सिकम के साथ चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसमें हम डालेंगे सोया सॉस, टमाटो सॉस एंड चिली सॉस।
उसके बाद अगर आपको लगे कि इसमें नमक कम है, आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें मेथी का पत्ता और धनिया पत्ता डाल देंगे। उसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल के हम इसको अच्छे से और एक बार मिक्स करेंगे। सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। फिर 5 to 10 मिनट्स के बाद हम इसको वापस खोल के अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अभी चिली चिकन का अच्छे से कलर भी आ गया और पक भी गया है और अभी ये बन भी चुका है। तो अभी आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं।